ज्यादा से ज्यादा लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपने काम को फुल पोटेंशियल लेवल तक लेके जा रहे हैं, बट क्या एज अ स्टॉक ट्रेडर एंड इन्वेस्टर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से हमारे इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग जर्नी को फुल पोटेंशियल लेवल तक लेके जा सकते हैं, नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, क्योंकि आज का ये पूरा वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि कैसे हम एआई को लेवरेज कर सकते हैं हमारे स्टॉक ट्रेडिंग जर्नी में, एंड कैसे हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स को भी सीख सकते हैं, स्टॉक स्क्रीनिंग को हम पूरी तरीके से मास्टर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि मैंने खुद सीखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो सारा प्रोसीजर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, एंड आज का वीडियो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि आज हम देखेंगे कि हाउ टू स्क्रीन स्मॉल कैप हाई ग्रोथ स्टॉक्स विद द हेल्प ऑफ एआई, कंपनीज अंडरगोइंग कैपेक्स, ऐसे कंपनीज जो कि कैपेक्स करने जा रही है, एंड अंडरवैल्यूड जेम्स भी, एंड बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्टॉक्स जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टॉक स्क्रीनर्स बनाने की कोशिश करेंगे एआई के मदद से, एंड बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाएंगे, एंड आपको एक प्रोसेस समझ में आएगा कि किस तरीके से आप एआई का इस्तेमाल करके स्टॉक स्क्रीनर्स को एडवांस लेवल तक बना सकते हो। सो लेट्स मास्टर स्टॉक स्क्रीनिंग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बढ़िया डिस्काउंट ब्रोकर के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि है एम स्टॉक। इस ब्रोकर की खास बात यह है कि यहाँ पर यह ब्रोकर लाइफ टाइम के लिए जीरो ब्रोकरेज के साथ ट्रेडिंग करने का मौका देता है आपको। यहाँ पर आपको केवल वन टाइम फी देनी पड़ती है, जो कि है 999, और ये 999 एक बार फी देने के बाद आप यहाँ पर जीरो ब्रोकरेज अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स, डिलीवरी, इंट्राडे, एफ एंड ओज, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, करेंसी, इन सब में आप जीरो ब्रोकरेज के साथ काम कर सकते हो फॉर द लाइफ टाइम। इवन आप यहाँ पर ब्रोकरेज कैलकुलेटर इस फीचर पर आकर प्रैक्टिकली खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि आप यहाँ पर कितना बचा सकते हो ब्रोकरेज। तो नॉर्मली हमें ब्रोकरेज पर ऑर्डर 20 रुपीज का देना पड़ता है, राइट? और हर एक ट्रेड के साथ दो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, बाय एंड सेल, तो वैसे तो हमारा 40-40। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई ट्रेडर यहाँ पर 10 ट्रेड ले लेता है इन अ डे, तो 20 ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए, राइट, बाय एंड सेल के। तो इस तरीके से आप 96,000 का ईयरली सेविंग्स कर सकते हो ब्रोकरेज में। एंड अगर आप मेरे जैसे एफ एंड ओ में एक्टिव ट्रेडर नहीं हो, तो आपको ये वन टाइम फी देने की जरूरत नहीं है। आप इस प्लान के साथ जा सकते हो, जहां पर 0 रुपीज के साथ ही आप शुरू कर सकते हो, फ्री डिलीवरी फॉर लाइफ। यहाँ पर आप इक्विटी में काम कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स एंड आईपीओ में, जीरो ब्रोकरेज के साथ फॉर द लाइफ टाइम। और ये प्लान लेके अगर आप एफ एंड ओ एंड करेंसी में ट्रेड करते हो, तो आपको नॉर्मल ब्रोकरेज जो कि 20 रुपीज पर ऑर्डर का रहता है, वो आपको भरना पड़ेगा। एंड यहाँ पर साथ ही में आपका एएमसी लाइफ टाइम के लिए फ्री होगा जस्ट बाय पेइंग ₹999। एंड यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन भी दिया है, या तो आप 999 पे करके एएमसी को फ्री करो फॉर लाइफ टाइम, या आप 120 रुपीज एवरी क्वार्टर भरते रहो। तो ये आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख सकते हो। और यहाँ पर एक साल के अंदर इस एम स्टॉक के साथ 3 लाख से ज्यादा यूजर्स जुड़े हैं। यहाँ पर इवन जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं, वो सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड करते हैं, जो जहां पर बाकी इंडस्ट्री में ब्रोकर्स 18% पर एनम का चार्ज करते हैं, आपको ये ब्रोकर आपको केवल 6.99% से यहाँ पर शुरू होता है इंटरेस्ट, एंड बहुत ही ज्यादा कम है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी जो है वो 6.99% ही है, जो कि सबसे कम है इंडस्ट्री में। यहाँ पर आप स्टॉक, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, म्यूचुअल फंड, करेंसी मार्केट्स, आईपीओ, इन सब में आप जीरो ब्रोकरेज के साथ ट्रेड कर सकते हो, जीरो ब्रोकरेज एंड नो हिडन चार्जेस फॉर लाइफ। इवन अगर आप नीचे अचीवमेंट्स में देखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 72 करोड़ प्लस का यहाँ पर ब्रोकरेज बचाया है इन्होंने ट्रेडर्स का लास्ट 3 मंथ्स में। तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है ये ब्रोकर। एंड अगर इनकी टेक्नोलॉजी का हम बात करें, तो यहाँ पर यूआई इंटरफेस सब कुछ स्मूथ है, सुपर फास्ट, स्टेबल एंड सिक्योर टेक्नोलॉजी है, एंड यहाँ पर आप इजीली ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स पर भी एक्सेस कर सकते हो, सुपर फास्ट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो यू कैन श्योरली वॉच फॉर दिस ब्रोकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि है हाउ टू मास्टर स्टॉक स्क्रीनिंग कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी ये जो स्टॉक स्क्रीनिंग है, हम इसके लिए screener.in का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको क्या करना है ना, screener.in पर पहले तो आ जाना है, आपका ये सामने ही रखना है आपको ये टूल। एंड मैंने यहाँ पर फ्रेश अकाउंट बनाया हुआ है अपना, आप देख सकते हो। एंड इस फुल न्यू अकाउंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्रीन्स में आके ये जो क्रिएट न्यू स्क्रीन का ऑप्शन आपको दिखता है, ये क्रिएट अ सर्च क्वेरी, तो यहाँ पर हम क्वेरी रिजल्ट सेक्शन बोलते हैं इसको screener.in में। तो ये जो टूल है ना, इससे ज्यादा पावरफुल टूल और कोई नहीं हो सकता स्क्रीनर के दुनिया में, क्योंकि स्क्रीनिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी लोगों को पता है। पर यहाँ पर ये जो क्वेरीज रहता है सेक्शन, तो यहाँ पर ये जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डेट टू इक्विटी, इनको हम कीवर्ड ऑप्शंस कहते हैं। तो मैं आपको पहले टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ, ताकि हम यही टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे एआई को प्रॉम्प्ट्स देते वक्त। ओके, तो ये सभी कीवर्ड ऑप्शंस तो हो गए, पर इन क्वेरी रिजल्ट्स को इस्तेमाल कैसे करना है फुल पोटेंशियल लेवल तक, इसके लिए हमें एआई का मदद लेना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें पूरी तरीके से सिखा देगा कि स्क्रीनिंग कैसे करना है, एंड हमें यहाँ पर कुछ बढ़िया टाइप्स ऑफ स्टॉक्स मैंने निकाल रखे हैं, जो कि आपको भी फॉलो करना है, एंड यहाँ पर एआई की मदद से आप बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी सीख सकते हो। तो
तो चलिए आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर कि एआई का टूल कैसे हमें इस्तेमाल करना है एंड कौन सा इस्तेमाल करना है। तो एआई का टूल का नाम है पहले तो बिंग एआई। आपको पता ही होगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट एज का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट बिंग आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर पर जाना है सिंपली, एंड यहाँ पर आपको सिम्बॉल देखने को मिलेगा बिंग एआई का। तो बिंग एआई पर जाते ही आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा, एंड बिंग एआई में ना आपको चैट जीपीटी के कुछ प्रीमियम फीचर्स भी मिल जाते हैं, इसलिए मैं बिंग एआई को ही प्रीफर करता हूँ। अभी आप बहुत सारे लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते होंगे, बट चैट जीपीटी पे मैंने ये सारा फंक्शन करके देखा है स्टॉक स्क्रीनिंग का, उतने अच्छे खासे रिजल्ट्स तो नहीं आए, पर बिंग एआई डेफिनेटली हमारे लिए अच्छे रिजल्ट्स ला सकता है। सो वी विल प्रीफर बिंग एआई। तो यहाँ पर बिंग एआई पर आकर क्या करना है हमें, सिंपली हमें प्रॉम्प्ट्स डालने हैं। तो चलिए पहला एक्सरसाइज करते हैं। तो पहला जो टाइप ऑफ स्टॉक है हमारा वो है हाई ग्रोथ स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो अभी हमें पहले हाई ग्रोथ स्मॉल कैप स्टॉक्स को ढूंढना है। चलिए तो कैसे ढूंढना है एंड कैसे हमें स्क्रीनर क्रिएट करना है, क्योंकि हम तो नूब है, हमें पता नहीं कि कैसे हमें स्क्रीनर्स को क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर डालने के लिए क्वेरी रिजल्ट, हमें पहले क्वेरी रिजल्ट क्रिएट करना पड़ेगा, एक एडवांस क्वेरी रिजल्ट जो कि एआई बनाएगा हमारे लिए, एंड बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। सो लेट्स गो विद द फर्स्ट एग्जांपल। तो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया है, आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछना है कि क्रिएट एडवांस क्वेरी रिजल्ट्स फॉर फिल्टरिंग हाई ग्रोथ स्मॉल कैप स्टॉक्स विच हैव ग्रोन प्रॉफिट्स बाय मोर देन 50% ऑन एनुअल बेसिस एंड ग्रोइंग प्रॉफिट्स क्वार्टरली बाय मोर देन 15% एंड मेक यूज ऑफ अवेलेबल कीवर्ड ऑप्शंस ओनली टू क्रिएट क्वेरी रिजल्ट्स ऑन screener.in। तो जितने अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन पूछोगे एआई को, उतने ही बढ़िया तरीके से आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। तो यहाँ पर मुझे स्मॉल कैप ग्रोथ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, तो मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया बताया कि ऐसे स्टॉक्स बताओ मुझे कि 50% से ज्यादा प्रॉफिट्स ग्रो हो रहे ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल ईयरली एंड ग्रोइंग प्रॉफिट्स क्वार्टरली बाय मोर देन 15% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट्स में बढ़ोतरी हो रही है वो 15% की हो रही है सिक्वेंशियली। एंड ये लास्ट सेंटेंस आपको हर एक क्वेश्चन में यूज करना है जब भी आप बिंग एआई को screener.in पे क्वेरी रिजल्ट जनरेट करने के लिए बताओगे, राइट। तो यहाँ पर आपको मेक यूज ऑफ अवेलेबल कीवर्ड ऑप्शंस ओनली, ये तो आपको डालना ही डालना है, नहीं तो एआई जो है ना ये आपको ये जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सपोज मैं ले लेता हूँ YOY, ओके, यहाँ पर मैं प्रॉफिट ग्रोथ ले लेता हूँ, प्रॉफिट ग्रोथ। तो ये जो कीवर्ड ऑप्शन है इनके बाहर के भी ये ऑप्शन कभी कभार बता देते हैं जो कि हम यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें मेक यूज अवेलेबल ऑफ कीवर्ड ऑप्शन ये हमें बताना पड़ता है। तो ये करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद AI आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा, जहां पर ये आपको क्वेरी रिजल्ट बताएगा कि किस तरीके से आप स्मॉल कैप हाई ग्रोथ स्टॉक्स को फिल्टर कर सकते हो। तो ये रहा रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर ना बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीजें भी आती हैं, AI आपको उन पर्टिकुलर टर्म्स का भी मतलब बता देता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी ये क्वेरी रिजल्ट को जनरेट कर रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ 5 years मोर देन 50%, क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ ग्रेटर देन 15, तो इस तरीके से। पर यहाँ पर कई बार क्या होता है ना, ये रॉन्ग रिस्पॉन्स भी जनरेट कर देता है या ऐसे टर्म्स का भी इस्तेमाल करता है जो कि screener.in पे अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे मौके पे आपको क्या करना है, और एक बार सेम क्वेश्चन डालना है एंड थोड़ा मॉडिफाई करके आपको ठीक से और एक बार सर्च करना है। तो ऐसे अगर आप करते रहोगे तो आपको एक बढ़िया सा क्वेरी रिजल्ट मिल ही जाता है, एंड मैंने ऐसे ही करके स्टॉक स्क्रीनिंग को पूरी तरीके से मास्टर किया हुआ है। तो यू कैन सी हियर, तो यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ 5 years 50 आया है, पर हमने क्या पूछा था यहाँ पर कि स्मॉल कैप स्टॉक्स विच हैव ग्रोन प्रॉफिट्स बाय मोर देन 50% ऑन एनुअल बेसिस। तो यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है, बट फिर भी हम यहाँ पर और एक बार क्वेश्चन डाल सकते हैं, एंड हम यहाँ पर खुद से इंडिपेंडेंटली भी इन टर्म्स का इस्तेमाल करके हम खुद मॉडिफाई भी कर सकते हैं यहाँ पर जाके। जैसे कि अभी स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो तो हमें पता ही है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हमेशा यहाँ पर स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिए लेस देन 5000 होना चाहिए, फिर भी हम खुद के लिए 7500 कर देते हैं जिससे थोड़े ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे, एंड फिर एंड आपको दबाना है, एंड देन उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन के बाद जो क्राइटेरिया था ग्रोथ के लिए वो प्रॉफिट ग्रोथ बताया एआई ने, तो राइट। तो प्रॉफिट ग्रोथ हम यहाँ पर डालते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ ग्रेटर देन 50% चाहिए था हमें, सो वैल्यू इन परसेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, राइट। उसके बाद एंड करके हम यहाँ पर फिर से एआई को रेफर करेंगे, एंड हम यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, इसका मतलब क्या है, ये आपको हर एक कीवर्ड का मतलब बता देगा, CAGR ऑफ प्रॉफिट्स एंड देन क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ। तो हमने क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ का भी क्राइटेरिया डाला था, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्क्रीनर पर आके क्वार्टरली का डाल देते हैं, तो अगर आप क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ ऐसे डालोगे YOY क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ, तो आपको दिखाई देगा YOY मतलब ईयर ऑन ईयर, मतलब इस साल का जो क्वार्टर था उसका कंपेरिजन पिछले साल के सेम क्वार्टर के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन आप डाल सकते हो 20%। तो ऐसे ही आप क्वेरी रिजल्ट बना सकते हो। और अप्रोप्रिएट बनाने के लिए और एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, तो यहाँ पर मैं और एक बार सवाल पूछूंगा AI से टू मॉडिफाई द क्वेरी रिजल्ट्स। तो यहाँ पर आपको ऐसे ही बार बार जितने बार आप बता सकते हो क्वेश्चंस के थ्रू
उतना ही आपका लर्निंग भी होगा। और इसी तरीके से मैंने बहुत सारे एडवांस स्क्रीनर्स क्रिएट किए हुए हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग लेवरेज, वो भी हम देखेंगे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम स्मॉल कैप हाई ग्रोथ स्टॉक्स का देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था, मॉडिफाई क्वेरी रिजल्ट्स मोर अप्रोप्रिएटली बाय यूजिंग दोज कीवर्ड ऑप्शंस ओनली व्हिच आर अवेलेबल इन screener.in। तो फिल्टर स्मॉल कैप हाई ग्रोथ स्टॉक्स विद अमेजिंग क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ रेट्स क्रिएट क्वेरी रिजल्ट्स। यहाँ पर क्वेरी रिजल्ट जनरेट करके दे दिया है AI ने आपको। यहाँ पर साथ ही साथ आपको मतलब भी बता देगा हर एक कीवर्ड का। आप देख सकते हो यहाँ पर अमेजिंग क्वार्टरली प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ रेट ऑफ मोर देन 50% एंड हैव अ हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, हैव अ हाई रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 25%। तो ये जो नंबर्स है, रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 25%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मोर देन 25%, ये हम हमारे हिसाब से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि इनके कीवर्ड ऑप्शंस को हम खुद से भी मॉडिफाई कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। एंड यहाँ पर हमें आइडियाज लेना है एंड लर्निंग करनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर हम क्वेरी बनाते हैं अभी। क्वार्टरली हाई प्रॉफिट ग्रोथ वाले स्टॉक्स अगर चाहिए तो जैसे कि AI ने कहा कि क्वार्टरली का चेंज ज्यादा होना चाहिए मोर देन 50%, तो हम कम करके 30-40% करेंगे। तो यहाँ पर क्वार्टरली जैसे ही आप क्यू डालोगे तो आपको वन बाय वन कीवर्ड ऑप्शंस को चेक करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा QOQ प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर QOQ प्रॉफिट्स का मतलब होता है सिक्वेंशियल बेसिस पे प्रॉफिट्स कैसे ग्रो हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ग्रेटर देन करूंगा, 30% करूंगा, ताकि ये लेस स्ट्रिंजेंट रहे, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स आए। अगर आप ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाओगे, ऐसा करोगे कि QOQ प्रॉफिट्स ग्रेटर देन 100-80 कुछ भी, तो आपके सामने कुछ ज्यादा स्टॉक्स नहीं आएंगे एंड वो गलत भी होगा। तो यहाँ पर आपको QOQ प्रॉफिट्स ग्रेटर देन 30 ऐसे डालना है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन डालने हैं जिससे क्वेरी रिजल्ट्स एक परफेक्ट आपको रिस्पॉन्स दे। उसके साथ आप QOQ सेल्स भी डाल सकते हो। QOQ सेल्स यहाँ पर मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं ग्रेटर देन, इसको भी हम कर देते हैं 25%। अभी हम यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल भी डाल देते हैं, जैसे कि AI ने बताया अभी हमें ROCE शुड बी ग्रेटर देन 15% हम कर देते हैं। वहाँ पर हमें 25% बताया पर हम फिर भी 15 रखेंगे। तो ये हो गया हमारा स्क्रीनर रेडी। एंड और एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो हमें खुद से पता होना चाहिए, जो कि ये है मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 7500 या 5000 भी आप कर सकते हो, पर उसके साथ हमेशा हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 500 का क्राइटेरिया हमेशा डालना है, जिससे ऐसे ही स्टॉक्स आए जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ के ऊपर है। तो ऐसे ही स्टॉक्स में हमें हमेशा ट्रेड करना चाहिए। तो फिर एक क्वेरी क्रिएट करने के बाद हमारे सामने कुछ बढ़िया स्टॉक्स आ जाएंगे। एंड आप देख सकते हो पहली ग्लोबल एजुकेशन आ रहा है स्मॉल कैप में। ये सभी मतलब हाई ग्रोथ स्टॉक्स दिखा रहे हैं एंड आपको इनको इंडिविजुअली चार्ट के ऊपर चेक करना है। तो ऐसा प्रोसेस रहेगा। हमें क्वेरी रिजल्ट्स बनाने के लिए AI की मदद लेनी है। एक बार फुल बनने के बाद हम इंडिपेंडेंटली भी हमारा खुद का दिमाग डालेंगे एंड यहाँ पर अच्छा क्वेरी रिजल्ट क्रिएट करने के बाद फिर हमारे सामने कुछ स्टॉक्स आएंगे, जैसे कि ग्लोबल एजुकेशन, नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, नेटवर्क पीपल, डीनोरा इंडिया। तो यहाँ पर डीनोरा इंडिया एक मल्टी ब्रेकआउट स्टॉक है। ग्लोबल एजुकेशन में भी अभी कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ था, मैं आपको चार्ट के ऊपर भी दिखाता हूँ। तो फिर आपको ऐसे स्क्रीन करके ना अभी ये जो स्मॉल कैप हाई ग्रोथ स्टॉक्स आ रहे हैं इनके चार्ट्स को आपको साइड बाय साइड ओपन करके देखना है। एंड टेक्निकल अगर मैच हो जाते हैं फंडामेंटल्स के साथ, देन आप उस स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हो अपने इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग जर्नी के लिए, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, जिस भी हिसाब से आप उस स्टॉक को एनालाइज कर रहे हो। तो यहाँ पर ग्लोबल एजुकेशन का आप अगर चार्ट देखोगे तो यहाँ पर मैंने ओपन किया है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो क्लियरली एक बढ़िया ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है विद द कर्व फॉर्मेशन। तो ये एक स्टॉक हो गया जो कि हम कंसिडर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इस स्क्रीनर के जरिए हमने एक स्टॉक को ढूंढा। ऐसे ही मैंने मल्टीपल टाइम्स AI का इस्तेमाल करके ना स्मॉल कैप हाई ग्रोथ स्टॉक्स में एक और एक स्टॉक को ढूंढा था जो कि था क्रेस्ट वेंचर्स, जो कि मैंने AI की मदद से ही ढूंढा था। वो आप खुद भी ढूंढ सकते हो, जितना मल्टीपल आप प्रॉम्प्ट्स डालोगे और जितने भी टाइप्स ऑफ स्टॉक्स आप डालोगे तो उसके अंदर ना आपको बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक क्रेस्ट वेंचर्स है जहां पर हमें मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, यू कैन सी हियर, जहां पर हमें बढ़िया तरीके से क्लियर कट ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर, यू कैन सी हियर। तो क्रेस्ट वेंचर्स भी मुझे ऐसे ही क्वेरी रिजल्ट्स AI के मदद से मिला था। तो अभी हम क्या करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर हमने स्मॉल कैप हाई ग्रोथ स्टॉक्स के लिए क्वेरी रिजल्ट्स जनरेट करने की कोशिश की। यहाँ पर डेट टू इक्विटी का भी क्राइटेरिया इन्होंने दे दिया था, तो डेट टू इक्विटी भी आप डाल सकते हो इस क्वेरी रिजल्ट्स में जाकर। एंड यहाँ पर सिर्फ 8 ही रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ज्यादा रिजल्ट्स आने के लिए, ज्यादा स्टॉक्स आने के लिए आप इन क्राइटेरियाज को हटा भी सकते हो, जो कि जरूरी नहीं है। जैसे कि हमने ऑलरेडी QOQ प्रॉफिट्स को डाला है, राइट, जैसे कि इन्होंने कहा था। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वार्टरली प्रॉफिट वेरियंस चेंज मतलब भी QOQ होता है। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड के भी मतलब धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे जितना आप प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पर हमने QOQ डाला ही है, तो हमें यहाँ पर ईयर ऑन ईयर डालने की उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें अच्छे स्टॉक्स चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स और ज्यादा स्टॉक्स अगर चाहिए देन वी हैव टू मेक इट लेस स्ट्रिंजेंट। जितना कम स्ट्रिंजेंट बनाओगे उतने ही बढ़िया स्टॉक्स आएंगे आपके सामने और ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स आएंगे। तो यहाँ पर रन करने के बाद आपके सामने अभी 13 स्टॉक्स आ चुके हैं एंड यू कैन सी मोर स्टॉक्स आर हियर, अन्नपूर्णा, RMC स्विच गेयर्स, डीनोरा इंडिया, ये भी स्टॉक आप चेक कर लेना एक बार। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज भी एक बढ़िया पैटर्न में ब्रेकआउट कर दिया है अभी फिलहाल। तो ये कुछ स्टॉक्स है। अभी चलिए स्मॉल कैप हाई ग्रोथ स्टॉक्स का हो गया,
तो यहाँ पर आज का मेन वीडियो का जो पर्पज है वो यही है कि हम क्वेरी रिजल्ट्स को कैसे सीखें एंड मल्टीपल कीवर्ड ऑप्शंस हम कैसे जान सकते हैं screener.in के अंदर एंड कैसे हम एडवांस लेवल तक screener बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम और एक टाइप ऑफ स्टॉक ढूंढेंगे जो कि है कैपेक्स, मतलब ऐसे कंपनीज जो कैपेक्स कर रही है। तो इसके लिए हम क्या डालेंगे, सिंपल सिमिलरली मेक स्कैनर फॉर स्टॉक्स दैट आर अंडरगोइंग कैपेक्स, इस तरीके से अगर आप डालोगे एंड क्रिएट अ क्वेरी रिजल्ट तो आपके सामने क्वेरी रिजल्ट बना के दे देगा। तो यहाँ पर देखिए एक सिंपल प्रॉम्प्ट मैंने डाला, सिमिलरली जनरेट अ क्वेरी रिजल्ट्स फॉर फिल्टरिंग स्टॉक्स दैट आर अंडरगोइंग ह्यूज कैपेक्स, सो मेक यूज ऑफ ओनली पॉसिबल क्वेरी कीवर्ड्स ऑफ screener.in टू फाइंड कैपेक्स स्टॉक्स दैट आर ग्रोइंग एक्सेप्शनली। तो इस तरीके से अगर आप डिस्क्राइब करोगे तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यहाँ पर क्वेरी रिजल्ट्स को फॉर्म किया है एंड बहुत ही एक्यूरेट है। अभी इस बार देखो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज ग्रेटर देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस प्रीसीडिंग ईयर, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल कीवर्ड्स का मतलब समझ में आएगा एंड यहाँ पर उसका एक्सप्लेनेशन भी है। नीचे आप देख सकते हो कि दिस क्वेरी विल फिल्टर आउट द स्टॉक्स दैट हैव इंक्रीज्ड देयर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और ग्रॉस ब्लॉक सिग्निफिकेंटली कंपेयर्ड टू द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ से आप लर्निंग ले सकते हो एंड अभी ये स्क्रीनर मैं सेम क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको एंड इसके मदद से हम बढ़िया कैपेक्स स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड बहुत बार इसको मैंने एक्सप्लेन किया अपने पुराने वीडियोस में भी। तो कैपेक्स स्टॉक्स में ना बहुत ग्रोथ पोटेंशियल होता है, तो ये जो स्क्रीनर हमने स्मॉल कैप हाई ग्रोथ के लिए क्रिएट किया था इस नए अकाउंट में, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर अपना पहला स्क्रीनर सेव कर लिया है, अभी हम कैपेक्स का स्क्रीनर बनाएंगे जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ग्रेटर देन ये वाला हम क्राइटेरिया पहले डालेंगे, तो CWIP इसका शॉर्ट फॉर्म है, आप देख सकते हो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो इससे आपको नए नए कीवर्ड समझ में आए होंगे एंड इससे ना आपको इन्वेस्टिंग में भी बहुत ज़्यादा मदद होगी कि कैपेक्स स्टॉक्स में कैसे ग्रोथ पोटेंशियल होता है वगैरह वगैरह, अगर आपको पहले से ही पता है तो बहुत ही बढ़िया। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ग्रेटर देन पिछले साल का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, उसके लिए हम सिंपल ये क्राइटेरिया डालेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस प्रीसीडिंग ईयर। यहाँ पर देखो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस प्रीसीडिंग ईयर, तो ये हो गया हमारा पहला क्राइटेरिया एंड हम ऐड करेंगे। एंड दूसरा क्राइटेरिया क्या था हमारा, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ग्रेटर देन ग्रॉस ब्लॉक प्रीसीडिंग ईयर, तो ये भी डालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो CWIP मस्ट बी ग्रेटर देन ग्रॉस ब्लॉक प्रीसीडिंग ईयर। सो मतलब इसका क्या है कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो रिसेंट कंपनी का इन्वेस्टिंग कर रही है, अभी रिसेंट जो इन्वेस्टमेंट चल रहा है फिक्स एसेट्स में, वो ज्यादा है ग्रॉस ब्लॉक से, पिछले साल के ग्रॉस ब्लॉक से वो ज्यादा है। इसका मतलब है कि कंपनी ज्यादा कैपेक्स कर रही है एंड इस कैपेक्स की वजह से कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल आ सकती है फ्यूचर में। तो इसका ये मतलब होता है बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो कंपनी इस कैपेक्स कर रही होती है ना उनमें ग्रोथ पोटेंशियल आती है, ग्रोथ ट्रिगर होती है। अभी हम यहाँ पर और देखेंगे ग्रॉस ब्लॉक ग्रेटर देन 1.3 टाइम्स ऑफ ग्रॉस ब्लॉक प्रीसीडिंग ईयर, तो यहाँ पर वही 1.3 टाइम्स नहीं है, 1.3 मतलब यहाँ पर 30% से मल्टीपल कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, तो इससे आपको एडवांस कस्टमाइज स्क्रीनर करना भी आप यहाँ से सीख जाओगे। यहाँ पर मैं ग्रॉस ब्लॉक ग्रेटर देन इसको करके हमें क्या करना है, ग्रॉस ब्लॉक ग्रेटर देन 1.3 इनटू ग्रॉस ब्लॉक प्रीसीडिंग ईयर, ओके। तो यहाँ पर इस साल का ग्रॉस ब्लॉक ज़्यादा होना चाहिए 30% से, इसका मतलब ये हुआ। तो 1.30 जब आप करोगे एंड इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है एंड यहाँ पर आपको ग्रॉस ब्लॉक कर देना है, इससे मल्टीपल करना है, राइट। तो ग्रॉस ब्लॉक प्रीसीडिंग ईयर, तो ये बन गया हमारा स्क्रीनिंग क्राइटेरिया। देन यहाँ पर हम और डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर और क्या दिया है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन लास्ट ईयर। तो अगर आप इतना डालोगे ना तो आपके सामने शायद ही कुछ 5-2 स्टॉक्स आएंगे। तो यहाँ पर आपको खुद से इसको कम स्ट्रिंजेंट बनाना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स आए। तो यहाँ पर हम इतना ही डालते हैं एंड इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया डालते हैं जो कि हर किसी स्क्रीनर में हमें डालना है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का ग्रेटर देन 500। ऐसे ही कंपनीज दो हमें जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 करोड़ से ऊपर है एंड ऐसे ही कंपनीज में हमें हमेशा इन्वेस्ट या ट्रेड करना होता है। इसको मैं रन करूंगा तो आपके सामने 10 स्टॉक्स आ जाएंगे, ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर कैपेक्स बहुत ही एग्रेसिवली हो रहा है एंड यहाँ पर आपने मतलब ही समझ लिया है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ग्रेटर देन इनका। एंड यहाँ से आप ऊपर से ही कंफर्म भी कर सकते हो, ये सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है CWIP का एंड ये प्रीवियस ईयर का, इस साल का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो ज्यादा है या नहीं आप यहाँ से ही चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो कि गुजरात हेमिस बायो जो ये फार्मा कंपनी है 57 करोड़ का यहाँ पर चल रहा है एंड पिछले साल सिर्फ 12 का था, तो 12 करोड़ से यहाँ पर 57 करोड़ तक का जंप है। एंड यहाँ से ही आपके सामने जो भी स्क्रीनिंग रिजल्ट्स आएंगे राइट, तो ये सभी स्टॉक्स को आपको फिर चार्ट के ऊपर देखना है कि क्या फॉर्मेशन बन रहा है। तो यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कि गुजरात हेमिस बायोसिन पर जैसे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन दिखाई देगा एंड बेसिक सारी चीज़ें एंड ये जो लाइन ग्राफ है ना इसको हम लाइन चार्ट कहते हैं। तो यहाँ पर इससे भी हम चार्ट स्ट्रक्चर का जज कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर अगर कर्व फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा 10 साल से या 5 साल से, यहाँ पर आप टाइम फ्रेम भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ से ही मैं मल्टीपल टाइम्स ऑफ स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे यहाँ से ही पता चलता है कि किस स्टॉक में टेक्निकल पॉजिटिव ट्रिगर्स निकल के आ रहा है, नहीं तो आप चार्ट पे डायरेक्ट जाके भी चार्ट को चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इस स्टॉक का नाम डालेंगे
एंड चार्ट को देखेंगे कि क्या कुछ पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर बनकर आ रहा है क्या। अगर नहीं आ रहा है देन वी विल अवॉइड दैट स्टॉक सिंपली। तो ये आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। एंड ऐसे कैपेक्स स्टॉक्स अभी ये जो क्वेरी रिजल्ट्स हैं आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, जैसे कि आपके सामने सिर्फ 10 रिजल्ट्स आ रहे हैं राइट, ये उतना भी एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पर ग्रॉस ब्लॉक की जगह आप खुद नेट ब्लॉक ले सकते हो। तो जब आपको अगर अकाउंटिंग के टर्म्स पता होंगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। एंड AI की मदद से आप खुद यहाँ से लर्निंग भी कर सकते हो कि इनका मतलब क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें AI की मदद से आप कर सकते हो। एंड ये सारी चीजें मैंने ना स्क्रीनिंग स्टॉक स्क्रीनिंग करना ये सब कुछ AI की मदद से ही सीखा है मैंने। तो यहाँ पर नेट ब्लॉक आप कर सकते हो प्रिसीडिंग ईयर। तो इस साल का CWIP जो है वो नेट ब्लॉक से ज्यादा है। सो सिंपली इसका मतलब एक कैपेक्स है एंड इसको हम निकाल देंगे इस क्राइटेरिया को, जिससे ये लेस स्ट्रिंजेंट बनेगा एंड यहाँ पर ज्यादा स्टॉक्स आएंगे। तो यहाँ पर ऐसे बेसिक स्क्रीनर्स भी आप चला सकते हो एंड आपके सामने अभी 46 स्टॉक्स आए राइट। तो अभी इन सभी स्टॉक्स में से भी आप देख सकते हो कि चार्ट किन का अच्छा है एंड लिक्विडिटी। यहाँ पर कुछ रिस्की स्टॉक्स भी आएंगे, ऐसे स्टॉक्स जिनमें लिक्विडिटी बहुत ही ज्यादा कम है, लिक्विडिटी रिस्क है, जहाँ पर अपर सर्किट्स एंड लोअर सर्किट्स लगते रहते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को भी आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। सिर्फ सेफ स्टॉक जहाँ पर वोलेटिलिटी अच्छा है, जैसे कि CDSL, यहाँ पर आपके सामने CDSL आ रहा है, फिर गोकुल एग्रो, ये कुछ स्टॉक्स है जिनका अगर चार्ट स्ट्रक्चर्स भी अच्छे हैं देन यू विल सिलेक्ट दैट स्टॉक। तो मेन पर्पज आज का यही है कि इन की टर्म्स को सीखना AI की मदद से एंड क्वेरी रिजल्ट्स बनाना कैपेक्स के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक एडवांस कैपेक्स स्क्रीनर दिखाता हूँ जो कि मैंने क्रिएट किया AI की मदद से अप्रोप्रिएटली, जो कि है ये। तो यहाँ पर ये जो सिंपल स्क्रीनर मैंने बनाया है ये शुरुआती में मैंने AI की मदद से ही बनाया था और खुद से मैंने मॉडिफाई भी किया है। तो यहाँ पर नेट ब्लॉक का मैंने इस्तेमाल किया है, यहाँ पर AI आपको ग्रॉस ब्लॉक बता रहा है राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे हमारे AI ने क्या बताया है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड ग्रॉस ब्लॉक, जो कि अच्छी चीज़ें ये भी हम डाल सकते हैं, बट ग्रॉस ब्लॉक से भी ज़्यादा नेट ब्लॉक थोड़ा अप्रोप्रिएट होता है। यहाँ पर नेट ब्लॉक ग्रेटर दैन नेट ब्लॉक 3 ईयर्स बैक, मतलब 3 साल पहले से ज्यादा है नेट ब्लॉक। एंड यहाँ पर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 50% है नेट ब्लॉक का। इसको अगर आप मैथ्स आप देखोगे सिंपल तो 0.5 मतलब हाफ रहता है, 1.5 करूंगा तो यहाँ पर इसका मतलब होगा कि 50% ज्यादा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कम्पेयर टू नेट ब्लॉक। तो इस स्क्रीनर को रन करोगे तो आपके सामने भी बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जो कि है 50। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो गुजरात एम्स बायो है बहुत सारे। तो इन सबको एनालाइज करने के बाद जो भी आपको टेक्निकली अच्छा स्टॉक लगेगा उसको आप फाइनली सिलेक्ट करना ओके। जो कि हम कर सकते हैं बिल्कुल, हमें टेक्निकल चार्ट्स एनालाइज करना आता है एंड फंडामेंटल्स तो हम यहाँ पर स्क्रीनर के थ्रू कर ही रहे हैं। तो यहाँ से विंडलास बायोटेक आप चेक कर सकते हो, आपके लिए होमवर्क है ये। एंड विंडलास बायोटेक एंड उसके बाद आप KMC स्पेशलिटी को भी देख सकते हो, जो कि हॉस्पिटल सेक्टर से मैंने इन स्टॉक्स को पहले भी आपके साथ शेयर किया था ब्रेकआउट सीरीज वीकेंड वीडियोज में। तो ये हो गया कैपेक्स के बारे में। अभी हम क्रिएट करते हैं स्क्रीनर टर्न अराउंड के लिए, मतलब ऐसे स्टॉक्स जो कि लॉस टू प्रॉफिट आ रहे हैं। तो अभी मैंने टर्न अराउंड स्टॉक्स के लिए और एक प्रॉम्प्ट डाला है जिसके आप देख सकते हो। तो सेम तरीके से आपको क्वेश्चन पूछना है, बस ये खाली जो कीवर्ड्स है टर्न अराउंड स्टॉक्स, ऑपरेटिंग लेवरेज, स्मॉल कैप हाई ग्रोथ स्टॉक्स, ये कीवर्ड्स आपको मेनली बदलते रहना है। जैसे जिस भी टाइप का स्टॉक आपको ढूंढना है उस टाइप का स्टॉक का नाम आपको यहाँ पर सिर्फ डाल देना है एंड क्वेश्चन आपको सेम रखना है एंड थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है कि क्या क्वालिटीज है, जैसे कि स्टॉक्स विच हैव गॉन थ्रू लॉन्ग टर्म अंडर परफॉर्मेंस बट नाउ ऑन द क्वार्टरली बेसिस दे आर आउट परफॉर्मिंग। तो टर्न अराउंड का मतलब यही हुआ राइट कि ऐसे स्टॉक्स बताओ कि जो अंडर परफॉर्म करते आए हैं 5 सालों से पर अभी जाके यहाँ पर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो लॉस टू प्रॉफिट बिजनेसेस है ये। तो यहाँ पर AI ने एक बढ़िया क्वेरी रिजल्ट्स बना के दिया है टर्न अराउंड के लिए। तो नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर प्रॉफिटेबल होना चाहिए राइट, फिर प्रीसीडिंग ईयर का क्वार्टर यहाँ पर लॉस होना चाहिए एंड नेट प्रॉफिट 2 क्वार्टर्स बैक भी एंड 3 क्वार्टर्स बैक भी। तो चलिए इसको हम अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरीके से हमें स्क्रीनर बनाना है। तो यहाँ पर हम हमारे स्क्रीनर के डैशबोर्ड पर आके क्वेरी रिजल्ट्स बनाते हैं ऑफ द टर्न अराउंड स्टॉक्स AI के हिसाब से एंड खुद से भी हम यहाँ पर दिमाग लगाएंगे। तो ये मैंने सारे क्वेरी रिजल्ट्स डाल दिए हैं क्राइटेरियाज AI के हिसाब से पूरा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर का ही सिर्फ प्रॉफिटेबल है एंड बाकी के जितने भी पिछले क्वार्टर से वो लॉस में है, मतलब लॉस टू प्रॉफिट हम ढूंढ रहे हैं ऐसे बिजनेसेस की जो रिसेंट क्वार्टर में ही प्रॉफिटेबल हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रिजल्ट्स हैं 12 एंड हमेशा ये क्राइटेरिया को भी हमेशा डालना मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला, मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो उसके बाद जोमेटो लिमिटेड अगर आप देखोगे तो जोमेटो में एक टर्न अराउंड हमें देखने को मिला था। यहाँ पर आप क्वार्टरली रिपोर्ट्स पर आके भी देख सकते हो कि कंटिन्यूअस लॉसेस थे एंड यहाँ पर प्रॉफिट एंड अभी प्रॉफिट। तो ये होता है टर्न अराउंड। तो इस हिसाब से मैंने टर्न अराउंड का स्कैनर बनाने भी सीखा था। एंड ये जो है ना स्क्रीनर, ये क्वेरी रिजल्ट्स जो AI ने बनाया है ये इतना भी एक्यूरेट नहीं है, और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए एंड परफेक्ट टर्न अराउंड स्क्रीनर बनाने के लिए आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे उस हिसाब से, और ज्यादा प्रॉब्लम्स डालोगे तो आपको एक परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो और अप्रोप्रिएट टर्न अराउंड क्वेरी रिजल्ट्स को बनाने के लिए मैंने और एक प्रॉम्प्ट डाला है आप देख सकते हो। तो यहाँ पर रिजल्ट आया है कि प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स लेस देन 0 का एक क्राइटेरिया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे मैं आइडियाज जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पर अभी देखना कि इस टर्न अराउंड स्टॉक को मैं बहुत ही एक्यूरेट टर्न अराउंड स्क्रीनर बना के दिखाता हूँ आपको। तो ये रहा एक परफेक्ट टर्न अराउंड स्क्रीनर जो कि मैंने डिस्कस भी किया है एक डेडिकेटेड वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट रिसेंट प्रॉफिटेबल होनी चाहिए कंपनी एंड अभी का प्रॉफिट प्रीसीडिंग ईयर से ज्यादा होना चाहिए
एंड यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं सिक्वेंशियली 20% से। एंड यहाँ पर देखना लास्ट वाला क्राइटेरिया मैंने AI का यूज किया है आइडिया लेके, तो इस तरीके से आप आइडिया जनरेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि AI जो आपको बता रहा है क्वेरी रिजल्ट्स वो पूरा का पूरा आपको कॉपी करना है, क्योंकि वैसे वो बना नहीं सकता AI। वी हैव टू मॉडिफाई बाय आवरसेल्फ एंड वी हैव टू यूज आवर ओन लॉजिक। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने अपना खुद का लॉजिक यूज करके स्क्रीनर को बनाया है। एंड यहाँ पर आप लर्निंग भी कर सकते हो, AI से पूछ सकते हो। यहाँ पर कई बार क्या होगा ना, आप प्रॉम्प्ट डालोगे एंड रिस्पॉन्स जनरेट करेगा कि बहुत गलत स्क्रीनर आपको दे देगा या आपको ये बताएगा कि मैं स्क्रीनर नहीं बना सकता। तो आप क्या करना उस सिचुएशन में, आपको सिर्फ सिंपल ओपन करना है न्यू टैब, न्यू टैब ओपन करके नया बिंग AI पर सिलेक्ट करना है। एंड न्यू बिंग AI पर जब आप जाओगे तो सेम क्वेश्चन को आप यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर डाल सकते हो, तो ये आपको दूसरा आंसर जनरेट करके देगा एंड बहुत परफेक्ट। तो ऐसा ही मैंने करके बहुत सारे स्क्रीनर्स का प्रैक्टिस किया हुआ है, टर्न अराउंड, ऑपरेटिंग लेवरेज एंड बहुत कुछ। तो अभी तक हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है। टर्न अराउंड स्टॉक्स का ये स्क्रीनर आप देख सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लो एंड प्रैक्टिस करो AI के साथ। अभी एक लास्ट चीज जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि अभी जैसे कि हमने स्मॉल कैप हाई ग्रोथ स्टॉक्स के लिए स्क्रीनर बनाया, कैपेक्स का बनाया हमने एंड उसके बाद टर्न अराउंड का बनाया, तो ऐसे ही आप ऑपरेटिंग लेवरेज का बनाओ। और ऑपरेटिंग लेवरेज का मैं आपको आइडिया भी दूंगा एंड आप खुद AI से पूछ सकते हो सिमिलरली, जैसे कि मैंने ये प्रोसेस करके दिखाया आपको इतना बड़ा। तो यहाँ पर आपको बस AI से पूछना है क्रिएट अ बेस्ट क्वेरी रिजल्ट फॉर द ऑपरेटिंग लेवरेज एंड आपको डिस्क्राइब करना है। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर इनकम जो है, चेंज इन इनकम जो है, प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है कंपेयर टू सेल्स ग्रोथ। अगर किसी कंपनी का 5 साल का सेल्स 10% से ग्रो हो रहा है तो प्रॉफिट यहाँ पर 2 गुना हो चुका है 5 सालों में, तो प्रॉफिट यहाँ पर सेल्स से भी तेजी से ग्रो हो रहा है, उन स्टॉक्स को हम ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। तो यहाँ पर जिस भी तरीके का स्टॉक चाहिए आपको, कैंसलिंग वाले स्टॉक्स चाहिए तो वो भी आप AI से बनवा सकते हो। देन आप अंडर वैल्यूड स्टॉक्स को भी ढूंढ के देखो कि हाउ टू फाइंड अंडर वैल्यूड स्टॉक्स एंड स्क्रीनर के लिए आप क्वेरी रिजल्ट्स बनाओ। तो ये सेम प्रोसेस आप फॉलो करो एंड मल्टीपल टाइम्स सेम क्वेश्चंस को एंड थोड़ा मॉडिफाई करके प्रॉपर डिस्क्राइब करके न्यू टैब्स में जाके पूछो। इससे क्या होगा ना, हाँ थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, बट अगर आप लर्न करना चाहते हो, स्टॉक स्क्रीनिंग कंसेप्ट को मास्टर करना चाहते हो, तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा जरिया है। यही करके मैंने बहुत ही अच्छे स्क्रीनर्स बनाए हैं जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने हाई पोटेंशियल टर्न अराउंड स्टॉक्स का बनाया। उसके बाद AI की मदद से ही मैंने यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज स्क्रीनर जो है, इस कंसेप्ट को मैंने पढ़ा पहले एंड उसके बाद यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ ग्रेटर देन, फिर ये एरिथमेटिक ऑपरेशन बोलते हैं, ये डिविजन, ये मल्टीप्लीकेशन, आप ये एरिथमेटिक ऑपरेशन यूज करके AI के बलबूते आप बना सकते हो। आप AI से पूछो यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर आप एक चीज डाल सकते हो एक्स्ट्रा कि यूज एरिथमेटिक ऑपरेशन टू मेक द क्वेरी रिजल्ट। अगर आप इस तरीके से डालोगे ना तो आपको ये एरिथमेटिक ऑपरेशन यूज करके बढ़िया स्क्रीनर दे सकता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिया भी था कैपेक्स के लिए, आप देख सकते हो 1.3 ग्रॉस ब्लॉक प्रीसीडिंग ईयर। तो इस तरीके से एरिथमेटिक ऑपरेशन का इस्तेमाल करके ना हम एडवांस क्वेरी रिजल्ट बना सकते हैं जिसे अप्रोप्रिएट रिजल्ट निकल के आते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमने देखी है एंड ये बहुत ही रेलिवेंट है। आपको यहाँ पर ज्यादा एफर्ट्स जरूर डालना पड़ेगा, बस सीखने के लिए, लर्निंग के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। एंड AI की मदद से हम इनसाइडर ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स को भी ढूंढ सकते हैं, शेयर होल्डिंग स्कैन्स भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये तो बस एक शुरुआत था एंड मुझे एक आपको एक डायरेक्शन देना था बस। तो आई होप कि आपको एक प्रोसेस समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप खुद से AI की मदद से बढ़िया स्क्रीनिंग कर सकते हो, टर्म्स को जान सकते हो एंड ऐसे क्वेरी रिजल्ट्स को जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अभी मैं जल्दी से आपको ऑपरेटिंग लेवरेज का स्क्रीनर दिखा देता हूं। तो ये है ऑपरेटिंग लेवरेज का स्क्रीनर जहां पर प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है कंपेयर टू सेल्स ग्रोथ। यहाँ पर मैंने 2 डाला है, मतलब 2 गुना से ज्यादा बढ़ रहा है, राइट। यहाँ पर सिंपल मैथ्स देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ डिवाइडेड बाय सेल्स ग्रोथ इंक्रीज बाय 2%, फिर प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स भी ज्यादा है सेल्स ग्रोथ से 2 गुना से। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का ये क्राइटेरिया आपको हमेशा डालना है एंड आपके सामने ये कुछ स्टॉक्स आ जाएंगे, CRM सिल्क जो कि सुपरस्टार इन्वेस्टर्स के बहुत सारे पोर्टफोलियो में है ये। तो इंडिविजुअली जितना ज्यादा स्टॉक्स को आप एनालाइज करोगे एंड टेक्निकली अगर चार्ट फेवरेबल निकलता है देन यू विल सिलेक्ट दैट स्टॉक। इन्वेस्टमेंट्स एंड सिक्योरिटीज मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।